हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल बी कलर्ड इन केस ऑफ। हमें बताना है कि इनमें से किसका जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड होगा। सो द की कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी यूज इन दिस क्वेश्चन विल बी, जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। नाउ लेट सी वन बाय वन हम चेक करते हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। सबसे पहले है जेड एन एनओ थ्री का होल स्क्वायर। तो इसमें जो हम देखेंगे जिंक है टू पॉजिटिव में, जिंक टू पॉजिटिव होता है आर्गन 3d10। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जीरो, तो हमारे पास कलर शो ये नहीं करेगा। सेकेंड है हमारे पास लिथियम नाइट्रेट Li(NO3)। हेयर लिथियम इज पॉजिटिव, Li1+। तो यहाँ पर जो कॉन्फिग्रेशन होगी वो होगी 1s2। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, जीरो, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, कलर शो नहीं करेगा। तो अब अगले पे आते हैं। अगला है पोटैश एलम, पोटैश एलम। पोटैश एलम का फॉर्मूला होता है KAL SO4 होल ट्वाइस प्लस 12 HU। ये एक सॉल्ट है और ये भी कलरलेस होता है, इसका भी कोई कलर नहीं होता। सो नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट विच इज CONO3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे कोबाल्ट है 2+ में, तो कोबाल्ट 2+ क्या होता है, आर्गन 3d7। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3, राइट। सो अगर हमारे पास 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, ये कलर शो करेगा। सो नेक्स्ट वन इज क्रोमियम क्लोराइड CrCl3। तो क्रोमियम क्लोराइड, यहाँ पे क्रोमियम किस चार्ज में है, क्रोमियम 3+ में। तो 3+ अगर इसकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, आर्गन 3d3। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 3। तो अगर इसके पास भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी कलर शो करेगा। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी D and E, ये दोनों ही कलर शो करेंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।